हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, जैसा कि आप लोग अपनी फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड है वो पता करना चाह रहे हो तो कैसे पता कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो की स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग अपनी फ़ोन की सेटिंग ओपन करेंगे। देन फ़ोन की सेटिंग ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, अब आपके सामने कई सारी सेटिंगें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना, मैं एक्यूरेट आपको वीडियो ध्यान से देखना है और मैं एक्यूरेट आपको जानकारी दे दे, ठीक है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है गूगल का, ठीक है। तो आपको इसके यहाँ पे देखने मिलता है गूगल, आपको इस गूगल पे आप लोग इस तरीके से टच करेंगे। देन टच करने के बाद फ्रेंड्स, अब आपके सामने कई सारे इंटरफेस नज़र आ जाते हैं, ध्यान से देखना है, ठीक है, इस तरीके से। अदरवाइज अगर आपको यहाँ पे ऑल सर्विस मिलता है तो आपको ऑल सर्विस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलती है ऑटो फिल, तो आपको ऑटो फिल पे आप लोग इस तरीके से क्लिक करेंगे। देन क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने ध्यान से देखना है, तीन सेटिंग देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे देखने को मिलता है ऑटो फिल विद गूगल, इस पर आप लोग टच करेंगे। देन टच करने के बाद अगर आपका इस तरीके से ऑफ रहता है, ठीक है, तो इसको इस तरीके से ऑन करेंगे। इससे क्या होता है, इससे आप लोग कोई सा भी पासवर्ड चेंज कर रहे हो, कोई सा भी पासवर्ड बना रहे हो, तो ऑटो फिल में आप लोगों को यहाँ पे ऑन कर दोगे तो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, ठीक है। तो भविष्य में आप लोग कभी भी आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे देखने मिलता है गूगल पासवर्ड मैनेजर, आपको यहाँ पे देखने मिलता है गूगल पासवर्ड मैनेजर, आपको इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे। देन क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, अब आप लोग ध्यान से देखना है, आप लोग अपना फेसबुक का पासवर्ड पता करने के लिए आप लोग अपनी फेसबुक एप्लीकेशन को इस तरीके से यहाँ पे टच करेंगे। इसके बाद अपना स्क्रीन लॉक डालेंगे, मैं यहाँ पे स्क्रीन लॉक डाल देता हूँ, फिंगर है मेरा। इसके बाद यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पे पासवर्ड देखने के लिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे अगर पासवर्ड देखना है तो इस पर क्लिक करेंगे आई वाले ऑप्शन पर, तो आपका पासवर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अदरवाइज यहाँ पे नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिनिमाइज़ करेंगे, ठीक है। अब आपको एक दूसरा तरीका और बता देता हूँ, अब आपको अपनी यहाँ पे फेसबुक कहाँ है, हाँ यह है फेसबुक, इस तरीके से ओपन करेंगे, ठीक है। आप लोग इस तरीके से फेसबुक ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र, राइट हैंड साइड में थ्री लाइंस मिलते हैं, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, अब आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, देन स्क्रॉल डाउन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देखने मिलता है सेटिंग एंड प्राइवेसी, आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, अब आप लोगों को यहाँ पे देखने मिलता है सेटिंग का ऑप्शन, सेटिंग पे आप लोग इस तरीके से देन क्लिक करेंगे। देन क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र, यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे अकाउंट सेंटर, अकाउंट सेंटर पर आप लोग इस तरीके से देन क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, अब आपके सामने कई सारे इंटरफेस नज़र आ जाते हैं, ठीक है। अब आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे इस तरीके से टच करेंगे। देन टच करने के बाद फ्रेंड्स, अब आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो, यहाँ पे कई सारे इंटरफेस नज़र आ जाते हैं, यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिल जाती है चेंज पासवर्ड की, तो आपको चेंज पासवर्ड पर इस तरीके से देन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप लोग अपना इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, यहाँ पे जैसे कि जिसका भी चेंज करना चाह रहे हो उसको चेंज कर सकते हो। तो मुझे यहाँ तो मेन पॉइंट है मेरा फेसबुक का, तो आपको इस तरीके से फेसबुक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फेसबुक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके तीन ऑप्शन देखने मिलते हैं, एक क्रिएट करंट पासवर्ड, एक न्यू पासवर्ड, एक री टाइप न्यू पासवर्ड। तो अगर आपको करंट पासवर्ड पता होता है तो आप लोग यहाँ से बदल सकते हो, या नहीं बदल सकते हो। तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉरगेट योर पासवर्ड इस तरीके से क्लिक करेंगे। देन क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, अब आप लोग ध्यान से देखना है, यहाँ पे देखने मिलता है आपका फ़ोन नंबर व्हाट्सएप के थ्रू, एक कोड है मेल के थ्रू, और एक कोड है फेसबुक के थ्रू। तो आप लोग जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पे अपना पासवर्ड को यहाँ पे बनाना चाह रहे हो तो आप उसको बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपकी ईमेल आईडी है सेंड है तो आपको अपनी ईमेल आईडी पे इस तरीके से क्लिक करेंगे और यहाँ पे कन्फर्म करेंगे, ताकि ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन आता है, यहाँ पे कोड जाता है, वो कोड को आपको यहाँ पे फिलअप करेंगे और इस तरीके से आपको चेंज करेंगे। तो फटाफट से अपनी ईमेल आईडी को मैं ओपन कर लेता हूँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ईमेल आईडी मैंने ओपन की है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ से पहले पैक कर लेता हूँ ईमेल आईडी मैंने ओपन कर ली। इसके बाद यहाँ से फिर से पैक आता हूँ, देख सकते हो कोड आ चुका है 5836, ठीक है, 58 यहाँ पे डालना है आपको, 58 5836, फिर इसके बाद और आपको देखना है 5836 और 24, फिर से डालना है 24, यहाँ पे 24, इसके बाद कंफर्म करेंगे। देन कंफर्म करने के बाद फ्रेंड्स, अब आप लोग ध्यान से देखना है, अब आपको अपना पासवर्ड बनाने के लिए आता है क्रिएट ए न्यू पासवर्ड, तो अपना एक पासवर्ड बना लेना है जो आप लोग बनाना चाहते हैं। तो मैं फटाफट से पासवर्ड बना लेता हूँ,
ठीक है। इसके बाद ऐसे इस पर भी टच करेंगे, टच करने के बाद मैंने पासवर्ड बना लिया, इसको नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद इस पासवर्ड को यहाँ से सेव कर देंगे और ये आपका पासवर्ड यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। देख सकते हो पासवर्ड शिफ्ट और नेक्स्ट हो जाएगा और पासवर्ड आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से फेसबुक का पासवर्ड इस तरीके से बना सकते हो। फ्रेंड्स, कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है तो मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको कमेंट का बहुत जल्द से रिप्लाई देता हूँ। फ्रेंड्स, बस यही थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ जो जानकारी आप लोग जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।